ईरानी विदेश मंत्री की हमास लीडर से मुलाकात को लेकर यह बड़ी खबर है। जी हां, एक बार फिर से सुनिए, ईरानी विदेश मंत्री की हमास लीडर से हो रही है मुलाकात, और कतर के दोहा में कुछ देर पहले दोनों की मुलाकात की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हमास लीडर हानिया से मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ईरान के विदेश मंत्री का हमास के लीडर से मिलना, ये क्या बता रहा है? आइए अब ईरान के विदेश मंत्री के हमास के लीडर से हो रही मीटिंग के संकेतों को भी समझ लेते हैं, फिर हम अपने एक्सपर्ट से इसके असर को समझेंगे। मैंने कहा था ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आ रहा है, हमास के साथ ईरान खुलेआम नजर आ रहा है। बड़ी खबर क्या है इस पर, आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मीटिंग्स के बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल्स हमारे पास आए हैं और इस खबर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बिना वक्त गंवाए डीके पांडे साहब, अगर आप इन तस्वीरों को डीकोड कर पाएं, ईरानी विदेश मंत्री हमास के लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। पहले भी यह खबर आई कि इस हमले की जब योजना बनी तो उसमें ईरान का हाथ हो सकता है, एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें सब कुछ तय हुआ, इसमें ईरान, लेबनान और हमास के लीडर्स मौजूद थे, लेकिन अब तो खुलेआम हमास के लीडर्स के साथ खड़ा नजर आ रहा है ईरान। ये क्या संकेत देने की कोशिश की गई है इन तस्वीरों के जरिए? देखिए, जो विश्व में समीकरण बन रहे हैं कूटनीतिक, वो कहना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं इनहेरेंट एजेंडाज हैं लोगों के, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से तस्वीरें साफ नहीं दिख रही हैं। हालांकि वो दिखते हैं साफ, लेकिन उसके संदेश हमें ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं। जो मीटिंग ब्लिंकन की और ये उनकी टीम के साथ हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रयास किया है चीन का आह्वान किया है कि वो भी आकर और शांति की तरफ कदम उठाने में मदद करे अमेरिका की, क्योंकि मानवीय आधार पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस क्षेत्र में। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस प्रयास के बाद कुछ परिणाम भी निकलेंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, जो उत्तरी गाजा पट्टी में लोगों को कहा गया कि आप जाइए और सिविलियंस को बोला गया जाइए ताकि ग्राउंड ऑफेंसिव जो है आराम से हो सके, ध्यान रहे ग्राउंड ऑफेंसिव अभी शुरू नहीं हुआ है और उसके पीछे कारण कई बताए जा रहे हैं, एक कारण मौसम खराब होने का भी कहा है, लेकिन उसके पीछे जो कूटनीतिक कारण है कुछ और हैं, जिसको कि हमें समझना होगा कि पर्दे के पीछे क्या तैयारियां हैं।